जब मैं आपकी उम्र का था तो उस वक्त फेसबुक नहीं था, तो उस वक्त लोगों से कॉन्फ्रेंसों में जाके मिलना पड़ता था, एग्जीबिशन में मिलना पड़ता था, एक ही के पास जाना पड़ता था। अब आप जाएं और फेसबुक पे जाके बंदा पसंद आ गया, बंदी पसंद आ गई, वहीं ऐड रिक्वेस्ट करा, मैसेज करा, बातें करना शुरू हो गई। लेकिन सिर्फ बंदा बंदी पसंद करने से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर दे। अगर आपको ज़्यादा लोग जानेंगे तो उसका नुकसान या फ़ायदा क्या होगा? माइक्रोफोन होगा क्योंकि चिल्लाना पड़ रहा है, इनको आवाज़ माइक से नहीं आ रही। लेकर ही आ रहा प्रॉब्लम का उससे। मेरे फेसबुक पे कोई है? मेरे फेसबुक पे 8 लाख लोग हैं। तो अगर मुझे चाय बेचनी हो कितने रुपए की कॉस्ट आएंगे फिर? आएगी जीरो। तो कॉस्ट नहीं आएगी। और अगर आपको दुकान खोलनी चाहेगी तो? करोड़ों में करोड़ों। क्यों सर? शॉप खरीदनी पड़ती है। नहीं, उसके हाल के लिए या रेंट भी ले सकते? रेंट भी ले सकते। मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग की बात। हाँ, एडवर्टाइजिंग की बात। दुकान तो मुझे खर्चनी पड़ेगी, फ्री लोग देगा। बट जो मार्केटिंग की कॉस्ट है, आप जाएंगे इश्तहार बनाएंगे, वो बहुत कम आएगी। तो क्या करना? इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? चार हज़ार। तो अगर मैं स्टूडेंट होता तो एक हफ्ते के बाद मैं ये बाहर लेके खड़ा हो जाता, भाई मुझे ऐड कर लो, भाई मुझे फेसबुक पे ऐड कर लो। ये 2 रुपए का बनता है एक कार्ड। आपसे से मिला किसी को भी? पते भाई? यस सर। कार्ड है? हाँ सर। तो इस कार्ड के ऊपर जिस तरह मस्जिद के बाहर बांटते हैं, हमें मैं क्या कर रहा हूँ सब? इसका फ़ायदा कब उठाऊंगा? और लिखा हुआ है कि मैं 10 लाख एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूँ, क्या आप बनना पसंद करेंगे? कोई फीस नहीं है नीचे, ये भी लिखा हुआ है। तो कितने लोग क्लिक करेंगे? काफ़ी सारे। कुछ मैं मांग तो नहीं रहा। तो मेरा जो एजेंट था, मैंने वेबसाइट पे जाकर रख दिया। आप भी रख सकते हैं यूट्यूब पे। सर, यूट्यूब पे वीडियो बनाने की कोई कॉस्ट होती है? यूट्यूब पे कुछ देखने की कॉस्ट होती है? यूट्यूब पे अगर आपकी वीडियो 1 लाख लोग देखें तो आपको नुकसान होता है? फायदा होता? कितने का फायदा होता? 1 लाख व्यूज के तकरीबन 1 लाख रुपये। ठीक है, तो अब अगर आप मिस कनीक के साथ पार्टनरशिप कर लें, मिस कनीक मैं आपके लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और आधे आधे कर लेंगे पैसे। और 5,000 बच्चे रोज़ देख लें तो 2,500 रोज़ की आमदनी शुरू हो जाएगी। हो रहा है? राइट। इस मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है जहालत एजुकेशन का। हर वक्त हम शोर करते हैं, देखो ना कैसा जाहिल है, हॉर्न बजा रहा है, कैसा जाहिल है, कचरा फेंक रहा है, कैसा जाहिल है, फलाना काम कर रहा है। लेकिन उसको ठीक कौन करेगा? वो पता नहीं, खलाई मखलूक शायद आएगी वो ठीक करने के लिए। राइट। तो हम सब लगते हैं हज़रत ईसा के इंतज़ार में बैठे हैं कि वो आएंगे, किसी को कुछ करेंगे और वो कुछ ठीक होगा। लेकिन होता ये है कि हम जैसे इलाके में रह रहे होते हैं, हमें आदत हो जाती है देखने। तो जब बाहर का कोई आता है तो आसानी हो जाती है देखने में चीज़ को। जैसे मैं बाहर से आया हूँ तो मैं इस जगह को आधे घंटे में जितना ऑब्जर्व कर सकूँगा, आप मुझसे बोलेंगे 3 अच्छी बातें बताओ तो मैं 3 अच्छी बातें बता दूँगा, 3 खराब बातें बताऊँ तो 3 खराब बातें बताऊँगा। तो अब आपने एक होमवर्क है आपको। मैं जाने से पहले आपसे मैं पूछूँगा कि मेरी 3 अच्छी बातें और 3 खराब बातें बता दी। ठीक है, ये तो मेरी हो गई फीस। मैं आप यहाँ से निकलूँ तो एक बेहतर इंसान बन के तो निकलूँ कम से कम। तो आप मेरी 3 खराब बातें बताएंगे। जब आप 3 खराब बातें बताएंगे तो मुझे अपने अंदर क्या चीज़ चाहिए 3 खराब बातें सुनने के लिए? हाँ, पेशेंस चाहिए, टॉलरेंस चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। किस चीज़ की? अगर यहाँ पे कोई कहे यार तुम बहुत मोटे हो, अच्छा लगेगा। और कोई आपको बोले कि तुम बहुत छोटी हो या बहुत लंबी हो तो अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगता कभी कभी भी। क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर अच्छा बनना है तो उसके लिए क्या चीज़ चाहिए? क्रिटिसिज्म चाहिए। किसी को तो बताना पड़ेगा ना, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप मुझे भी क्रिटिसाइज़ करें
और कोशिश करें कि जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ क्रिटिसिज्म के बगैर जाए, प्यार से उनके साथ गाइड करें कि दूर से, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं देख सकता हूँ, आप देख सकते हो, आप मुझे बताएंगे कि रियान भाई आप ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ करेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे, और ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ करेंगे तो और खराब हो जाएंगे। तो ये आपकी चॉइस है कि रिजल्ट क्या लेना। सिमिलरली हमारे जो माशरे के अंदर मसाइल हैं वो खलाई मसलों ने ठीक करने नहीं है, वो आपने ठीक करना है। बचपन से सुनते हुए आते हैं सब लोग, मैं भी सुनता था बचपन, ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं, ये अच्छे वाले मेहमान तो इम्पोर्ट हो जाते हैं दुबई और अमरीका, पीछे से वो खराब वाले मेहमान रह जाते हैं। तो एक तरह की अच्छी बात यह है कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मैं हुनैद भाई का शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाया। बट एट द सेम टाइम आप लोगों को ये देखना है कि नंबर अच्छे चाहिए या मुल्क अच्छा चाहिए या जेब अच्छी चाहिए, सब चीज़ अच्छी जब आएगी जब हम अच्छे बनेंगे। और अच्छे से मुराद क्या होती है कि अच्छे लोगों की खसूसियात सबको मालूम है, झूठ नहीं बोलते, टाइम की पाबंदी करते हैं, ये बेसिक्स हैं। अगर हम अपनी बेसिक्स ठीक करेंगे तो आपको कस्टमर को बहुत मिलेगा। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, अगर आप बिजनेस शुरू करेंगे झूठ नहीं बोलेंगे तो सबसे बड़ी सबूत तो यही हो गई कि यार ये बंदा ऑनेस्ट है, राइट। फिर आप लोग यंग हैं, सब लोग 25 साल से छोटे हैं, तो जो चीज़ सीखनी है यूट्यूब पे पड़ी होती है, यूट्यूब पे जाके हम सीख सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते एक विलेज गया, वहाँ पे जब हम अंदर जा रहे थे तो मैंने देखा बहुत आग लगी हुई थी, बनाना के ट्रीज जलाए जा रहे थे। तो मैंने पूछा क्यों जला रहे, क्या ये इसका कोई काम नहीं है तो हम उसको जला देते हैं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कोई काम ना हो। तो लाखों टन बनाना का जो ट्री है और ट्रंक है वो जलाया जाता है, पत्ते भी जलाए जाते हैं। तो मैंने पूछा अच्छा ये भैंस खाती है, तुम लोग के पास भैंसें होती हैं, ये पत्ते खा लेती है, थक खाती है, अरे खिलाते क्यों हो, कहते सर कभी खिलाया नहीं। छोड़ लेते हैं, मतलब इतनी अजीब सी बात है कि मेरे लिए सिंपल सी बात थी कि मैंने सोचा पत्ते हैं भैंसे हैं खाते नहीं रहे। फिर दूसरा ये ट्रंक जला रहे हो, तो मैंने फिर यूट्यूब पे जाके लिखा बनाना लीफ बेनिफिट्स पर्पस, तो मुझे एक मशीन नजर आई, एक आदमी बेच रहा था कि आप इस ट्रंक को लें, एक प्रेस करें, उससे चमचे बन जाते हैं, उससे प्लेटें बन जाती हैं, उससे प्याले बन जाते हैं। यार इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है कि टन ऑफ मटेरियल हमें फ्री मिल रहा है और हम उसको कन्वर्ट करके कैसे फायदे में कन्वर्ट कर लें। तो मुझे कितने करोड़ रुपए चाहिए उस काम के, मशीन 10 लाख की होगी। अब अगर आप यहाँ 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 5,000 रुपये पूल करें तो कितने पैसे हो गए, 2.5 लाख, 2.5 लाख में। तो 25,000 कितने चाहिए 10 लाख बनाने के, 20,000 चाहिए। 20,000 रुपये तो मेरा ख्याल है आप इन्वेस्टमेंट में अरेंज कर सकते हैं, तो एक पब्लिक कंपनी बनाए बनाना की, और फैक्ट्री से फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल फ्री, लेबर चार्जेस 10,000 रुपये महीना, प्रोड्यूस क्या हो रहा है बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स, उसके ऊपर बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स लगाएं, अमरीका एक्सपोर्ट करें, आराम से पैसे कमाएं। खुद भी यहाँ पे 1 रुपए की बेचेंगे, बाजार में बेचेंगे अमरीका में 10 रुपए की चली जाएगी, बिजनेस अच्छा है ना। फिर हम यहाँ से आते हैं, कचरा ही कचरा लगता है, फैक्ट्रियाँ लगी हैं कचरे की, हम सब कचरे की फैक्ट्री हैं, हम लोग सुबह से शाम कचरा निकालते हैं। लेकिन अगर हम इस कचरे को जाकर यूट्यूब पे स्टडी करें कि यार इस कचरे से हम क्या क्या बना सकते हैं, कुछ लोग कचरे से ईंटें बनाते हैं, कुछ लोग प्लेट बनाते हैं, कुछ लोग प्याले बनाते हैं, तो हम उसको इस्तेमाल करें अगर, और ये जो हमारी बच्चे फिर रहे होते हैं या मजदूर कहते हैं हमें नौकरी नहीं है, हम उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लें तो हमारा मुल्क भी साफ और पैसे भी आ रहे हैं, ऊपर से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर में खरीद की जरूरत। तो कोशिश अपनी ही बनानी चाहिए कि आप लोग वैसे अपने तौर पर टारगेट करना चाहिए, कौन से ईयर के बच्चे आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फाइनल सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर के ऊपर मैं कहता कोशिश ये करो कि फोर्थ के बाद अब्बा से पैसे नहीं मांगना, अपने पैसों से पढ़ो, जब अपने पैसों से पढ़ोगे तो छुट्टी भी नहीं करोगे, अच्छे नंबर खुद ही आएंगे, क्योंकि इल्म के लिए पढ़ोगे, डिग्री के लिए नहीं पढ़ोगे, क्योंकि पहले पैसे कमा रहे होगे तो जरूरत तो है नहीं कि भाई डिग्री से नौकरी चाहिए होती है, डिग्री से नौकरी मिलती नहीं है क्योंकि वो बेचारे डिग्री वाले को पता नहीं होता क्या करना है, बाजार में कुछ और डिमांड होती है, आप में कुछ और पढ़े होते हैं। तो अगर अपना बिजनेस शुरू से कर रहे होते तो आप बिज़नेस से या टीचर से लिए बहुत सारे मसाइल पूछते हैं जो आपको अपने बिजनेस में आ रहे हैं।
तो आपके पास फ्री का बिजनेस कंसल्टेंट अवेलेबल हो जाता है। ये सारे मसाइल आपके टीचर आपको जो जो आता है यहाँ पे क्या स्पीकर सर ये सारे अपने प्रॉब्लम लेकर आते हैं, सर ये प्रॉब्लम आ रहा है बिजनेस में। अगर आगे सवाल पूछो ना क्या बताऊँ, किसी का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस कर रहे होते हैं उसमें जो प्रॉब्लम आ रहे थे वो मुझसे पूछते तो मैं आपको गाइड कर सकता था कि इसको 10x कैसे करना है, 100x कैसे करना है, स्केल कैसे करना है, बड़ा कैसे करना है। बट सवाल में आधा इलम होता है, आप सवाल नहीं करोगे तो मैं आपको कैसे दूंगा जवाब। आपको सवाल आया, ये तो ऐसी तमीज चल रही है, जाऊं बोलो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको आता है लेबर को हैंडल कैसे करें, मुझसे पूछा करो ये बात। तो बस अगला टॉपिक जो आना चाहिए आपका जो भी यहाँ पे है, आपको बहुत अच्छा सवाल है। कभी यूट्यूब पे कितना टाइम लगा इसको सर्च करने के लिए, भी नहीं लगाया। तो यूट्यूब हमारे पास एक कानून का खजाना है, भरा हुआ है इलम से, और ना पढ़ना पड़ता है ना लिखना पड़ता है, ना सिर्फ सुन्नी बन जाओ, ज़्यादातर लोग हैं ऐसे ही, और काम हो जाता है। और प्ले करो दो चार वीडियो चलाओ और तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मेरा जो उसूल रहा है, मेरे पास भी और मेरे वालिद के पास भी हमेशा ही प्रॉब्लम था कि लेबर को हैंडल कैसे करें। फतेह ने बहुत एक अच्छा सवाल किया, हम लोग वापस जब आ रहे थे उन्होंने कहा कि वडेरे जो होते हैं ये जुल्म क्यों करते हैं, और सियासतदान जो है वो भी जुल्म करते लोग हैं। किसी के पास जवाब है सर? सर हम कुछ जाहिल होते हैं इसलिए हम पर जुल्म। बहुत अच्छा जवाब। और कोई? हाँ ठीक है। और जी हाँ बहुत गुड। और ठीक है। और हाँ अवेयरनेस ऑफ राइट्स भी नहीं है जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उनको डरा सके, खौफ डरा सके। और फिर जिंदगी में दुनिया में दो लोग दो चीजों के लिए काम किया जाता है, एक मोहब्बत और एक खौफ। लड़के बैठे हैं लड़कियां बैठी हैं, हमारी टीचर है वो कहती हैं अगर किसी ने लड़की ने टाइम दे दिया आपको 4:30 बजे का तो 4:15 बाहर खड़ा होगा फोन लेके, और किसी दफ्तर वाले ने टाइम नहीं लिया तो कभी टाइम पे नहीं आता। इसलिए कि अपने काम से मोहब्बत नहीं है, अगर काम से मोहब्बत हो तो वो 4:30 बजे के बजाय 4:15 बजे आ जाएगा, हो सकता है देर से जाए हो सकता है जल्दी आए। लेकिन अगर मोहब्बत नहीं होगी तो टाइम नहीं आएगा। दूसरा तरीका क्या होता है टाइम पे बुलाने का? स्कूल नहीं आते यहाँ पे टाइम पे नहीं आते क्या होता है? डंडे का है ना, क्लियर है। ऑफ से डराया जाता है। तो पहली चीज थी मोहब्बत, दूसरी चीज थी खौफ। तो जो जो खौफ है अब्बा जो डंडा लेके खड़े होते हैं उससे डर ज्यादा लगता है, अम्मा की मोहब्बत में कोई फर्क नहीं पड़ता। खौफ जो है इंसान को कंट्रोल करने के लिए खौफ चाहिए होता है। अगर कराची के अंदर फाइन लग जाए कि किसी के घर से कचरा बरामद होगा या तो 50,000 रुपये फाइन होगा और फाइन ले लिया जाए तो क्या होगा? 5-10 लोग फाइन देंगे उसके बाद कराची साफ हो जाएगा। तो क्या चाहिए हमें? हम एज ए इंसान डंडा, हमारी कौन डंडे की है ना। अगर डंडा होता हमारी अम्मी बताती हैं कि जब याया खान आए हुकूमत आई थी तो हम थक के देखते थे रोड पे कि क्या होगा, कितना साफ रोड होता था कि डर लगता था, थकते हुए भी डर लगता था कि भाई अभी पुलिस पकड़ लेंगे यार, ऐसा मुआशरा होता। तो हम सबका खौफ होता है। तो मेरा यही ख्याल है कि वडेरे साहब जो हैं अगर खौफ नहीं बैठा के रखेंगे तो क्या होगा, वो कंट्रोल नहीं कर सकते लोगों को। कंट्रोल नहीं कर सकते लोगों को तो वो फिर अपनी हर तनख्वाह देनी पड़ेगी, लालच देना पड़ेगा, फिर लालच के लिए इंसान करते। या अगर आपने मुझे आने के कहा था सर आपको फीस दे रहा हूँ या आपकी 1,00,000 रुपये फीस है तो मैं टाइम पे शायद आ जाता। दूसरा मुझे शौक है कि भी बच्चों से मुलाकात होगी कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं टाइम पे आ गया। तो मोहब्बत हो या लालच हो
یا خوف ہو یہ بھی ہدایت پر غصہ کریں گے نہیں گے تو رائٹ تو تین چیزوں سے ہم موٹیویشن کے لیے کیا کیا چیز چاہیے ہوتی ہے آپ نے کہا میں جب باتیں کریں ہمیں موٹیویشن ملے میں بلیو ہی نہیں کرتا موٹیویشن میں انسپریشن پہ بلیو کرتا میرا یہ خیال ہے کہ آپ اگر انسپائر ہو جائیں میرے آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے ایک آدمی یا ایک بچہ یا بچی کہ اندر کوئی آگ لگے کہ یار اب مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اب تو میں نے اس کی جان نہیں چھوڑی رائٹ تو ہم ساری کہانیاں جو ہیں شیری بھراج کی وہ دودھ کی نہریں بھی پھنس جاتی ہیں صرف ایک محبت کے پیچھے تو اگر آپ کو اپنے ملک سے واقعی میں محبت ہے آپ کو اپنے شہر سے واقعی میں محبت ہے تو یہاں پہ گن ہونا چاہیے باتیں تو کرتے ہیں پاکستان کے لیے یہ کر دیں گے مر جائیں گے انڈیا کے ساتھ یہ کر دیں گے اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرنے کو تیار تو کس کو ٹھیک کرنا چاہیے انڈیا کو یا ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو مودی صاحب نے 2 سال پہلے بیان دیا تھا کہ جی پاکستان کے ساتھ ہمیں جنگ کرنی چاہیے ان کس چیز کے خلاف غربت کے خلاف پانی کی اویلیبلٹی ہو اس چیز کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے کوئی بھوکا نہ سوئے یہ اس چیز کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے یہ جنگ ہے یہ میری جنگ ہے میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں ہمس ہے میں ابنڈنس ہے ہر چیز موجود ہے اگر را مٹیریل روڈ پہ پڑا ہوا ہے درخت کی شکل میں ہو ماربل کی شکل میں ہو کچرے کی شکل میں ہو یہ را مٹیریل فری مل رہا ہے پھر یہ را مٹیریل ہے آپ لوگ را ہیں آپ را مٹیریل ہیں اگر آپ کو صحیح طرح یونیورسٹی کیا کر رہی ہے آپ کو کارو کرنے کی کوشش کر رہی ہے پتھروں سے ہیرے بنانے کی کوشش کر رہی ہے اگر آپ لوگ کارو ہو جائیں گے تو بھی آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی جس کو جتنا زیادہ کارو دیا جائے گا جتنا زیادہ پگھلایا جائے گا اتنا زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی تو آپ لوگ محنت زیادہ کریں گے تو کس کا فائدہ ہوگا آپ کا یا یونیورسٹی کا آپ کو ہی فائدہ ہوگا تو کوشش نہ کریں بلکہ کریں آپ تو میرا طریقہ یہ تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیبر جس کو بول رہے ہیں ہمیں پہلے تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ لیبر ہے یا ہمارے کو ورکرز اس کمرے میں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے وہی وہ ہیں یا میرے ساتھ پڑھتے ہیں پہلے ہمیں ان کو عزت دیں اچھا آپ عزت دیں گے تو سٹے چڑھ جاتے ابا کہتے ہیں ہمیں بھائی عزت دو گے نا دیکھنا کام ہی نہیں کرے گا پرابلم ہے نا تو اب ایک کسی ایک جنریشن کو تھوڑا سا قربانی دینی پڑے گی اور آہستہ 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 جب آپ ان کے ساتھ نرم ہوں گے پیار کریں گے ان کو گائڈ کریں گے ان کو ٹریننگ دیں گے ان کو اپنے جیسا برتاؤ رکھیں گے ان کے غموں میں ان کی خوشی میں شریک ہوں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کو جو مسئلہ آ رہا ہے وہ نہیں آئے گا یہ ایک لانگ پروسیس ہے ارجنٹ پروسیس کیا ہوتا ہے 2000 بتا دے تو مجھ سے پہلے آئے گا بٹ دیٹ از ہاؤ وی یوز ٹو ڈو بٹ یہ طریقہ لانگ ٹرم نہیں ہے نہ ہمارا دین سکھاتا ہے نہ ہمیں جو رائٹ کیپٹلزم ہے کوئی چیز نہیں سکھاتا تو ان کی ٹریننگ کے لیے میرا طریقہ یہ ہے کہ ہم 2-2 منٹ کی ویڈیوز بناتے ہیں ہر پروسیس کی اور یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں پھر کوئی نیا لڑکا آتا ہے کہتے ہیں بیٹھو یہ ویڈیوز دیکھو 2 منٹ تو سارا کام آ جاتا ہے تو آپ کے مارکیٹ کے اندر اگر مثال کے طور پہ آپ ماربل کے ٹائلز بناتے ہیں تو سب سے آپ کو پرابلم کیا ہے لیبر کم ملتی ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے اچھی لیبر کم ملتی ہے تو اگر آپ 1 لاکھ لوگ تیار کر دیں اچھی لیبر تو ٹاپ آپ رکھ لیں آپ کے 5 آدمی چاہیے تو آپ ویڈیو کے اوپر سارے پروسیسز بنا دیں 1 لاکھ لوگوں کو ٹرین کر دیں جو بازار میں شارٹیج ختم ہو جائے گی اب کیسے تنگ کرے گا وہ کہے گا اچھا میں نوٹنگ نہیں کر دیا ادب کے ساتھ بھائی یہ پیسے ستانا لے گا دوسرا آدمی آ جائے گا لیکن کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا پرابلم ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے تو آپ سپلائی بڑھا دیں ہمارے جو بزنس تھا اس کے اندر بھی ہمیں یہ ایشو تھا تو ہم نے سارے ٹیوٹوریلز بنا بنا کے یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کیا اور پھر ہمیں سپلائی زیادہ ملنا شروع ہوئی تو ہمیں پرابلم نہیں آ رہا تو سپلائی کو بڑھائیں ڈیمانڈ تو ہے اور اگر آپ اور آپ کے پاس اچھا کاریگر آ جائے گا اس حساب سے تو کیونکہ آپ اس کے استاد ہوئے آپ نے پڑھایا اگر آپ نے آج آپ کے مجھ سے کوئی چیز سیکھی تو آپ مجھے میں آپ سے کوئی وجہ تو نہیں مانگ رہا ہوں لیکن آپ اس کے نتیجے میں تھوڑی سی مجھے رسپیکٹ دے دیں گے اور اس رسپیکٹ کے نتیجے میں آپ سے بھی چیز مانگوں گا یا ٹائم مانگوں گا تھوڑا سا تو آپ شاید دے دیں چانسز زیادہ ہیں لیکن میں اگر ایسی چل کے آتا دوبارہ تو بھائی مجھے 1000 روپے دے دے کوئی تو چانسز یہی تھے کہ نہیں ملتے رائٹ تو ہمیں آپ ٹیچر بن جائیں دیٹس دا ایزیسٹ وے ٹو ٹیچ ٹو گیٹ رڈ آف دس پرابلم کوئی اور سوال مین ایشو جو ہے وہ پیس اور
ऑप्शन क्या है? आपने क्या गलत काम किया जो आपको देना पड़ता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों तंग कर रहे हैं आप? कल मैंने एक लड़के से बात की, मोनिका से वापस आया था। थोड़ा सा टाइम कितना मिलता है? 10 मिनट और जितना टाइम तो कल सैरी मांगा। हम लोग माशरे में सिटीजन हैं। आप कभी एसपी से मिलने गए, कभी एसपी से मिलने गए, कभी एसएचओ से मिलने गए, कभी मेयर के लिए कोई तोहफा भेजा। मेयर आपको जानता है। अगर मेयर आपको जानता हो कि एमसीवाई के अंदर जितने ऑफिसर हैं वो आपको जानते हो, आपने एक किताब लिखी हो इस सब्जेक्ट के ऊपर, सबको खास किताब बढ़वा दें, आपको जान जाएगा। अब आपको तंग कर सकते हो। तो हमने क्या किया है, हमने अपने आप को हम पैसे से खरीदने की कोशिश करते हैं। आपने डेफिनेटली कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि आपको अंदर शक है, यार मैंने अगर इसको नहीं दिया ना तो ये मुझे तंग करेगा। हम हमारा कस्टमर हम बाहर बिठाते हैं या हमने कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, कुछ तक उसको डंडी मारी होगी। अगर डंडी नहीं मारी होती तो फिर सीना चौड़ा इंसान करता है, लेकिन अगर कोई गलती करता है तो फिर थोड़ा सा चोर आ जाता है। बट आसान पार्किंग, आप चाहें कि एन सी में उनसे कहें कि सामने की 3 पार्किंग स्पॉट जो है हमें उसका पैसे देने को तैयार है, तो उस पर आपका बोर्ड लग जाएगा, रिजर्व हो जाएगी आपके कस्टमर्स को। 2 या 3 हज़ार महीना लगेगा पर पार्किंग स्पॉट, पैसे लगेंगे ना। तो रिश्वत देना आसान होता है, वहाँ कौन जाए, के एन सी के दफ्तर में पर्ची कौन कटवाए, 4 चक्कर कौन लगवाए। तो अब हम अगेन एज अ टेकप्रेन्योर, अगर आप लोग सारे फेसबुक वाले बच्चे हैं ना, सारे इंटरनेट गूगल चलाने वाले बच्चे हैं ना, मैं किसी गांव में तो नहीं आया हुआ कि कहिए गूगल कैसे चलाते हैं, गूगल बताओ। तो आपको ये प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना चाहिए कि हम खाली, आप एक रेस्टोरेंट कितने होंगे पाकिस्तान कराची? 5,000। 5,000 कस्टमर्स अगर आपके पास रेस्टोरेंट हैं, उसमें से आप 5,000 के लिए कोई प्रोडक्ट बनाएं, जैसे करीम बनाएं फॉर एग्जाम्पल, तो एक ऐप बनाई ना कि भी किसी को भी अपने दुकान के सामने वाली जगह किराए पे लेनी हो, ऐप पे जाए वहाँ से बुक करें, फॉर एग्जाम्पल आसानी हो जाएगी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन ढूंढे, सिर्फ हफ्ते नहीं नहीं कि भाई मेरा तो एक प्रॉब्लम है, चलो मेरी तो जान छोटी, सॉल्व कैसे करें। मेरा आप सबको मशवरा है कि आप अपने मोहल्ले के एस एच ओ से ज़रूर मिले जाके बगैर काम के। और जिस तरह अगर आपके घर में कोई आता है तो उसके लिए कोक बोतल नाश्ता वास्ता लेके आते हैं, तो उसके उसके लिए नाश्ता ले जाए, आप उसको रिश्वत ना काउंट करें। आपके घर में कोई मैं आ रहा हूँ खाना अगर यार मैं आ गया मिलने आया तो आप क्या मुझे आपसे रिश्वत ना करवा जाओ मुझे समोसे और पकौड़े अगर अगर या चाय दे रहे हैं तो रिजर्व रिश्वत तो मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तो मैं इसका पूरा कर दूँ, फिर बताइएगा। तो आप हमसे ज़रूर मिले, अपने के एम सी वालों से जाके बड़ों से मिले, क्योंकि तो आपको तंग करने आ रहे हैं, छोटा बच्चा है, आप तंग हो रहे हैं तो आपको तंग कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि आपको तंग उनसे मिलने जाओ, और ये आसान तरीन सोल्यूशन है, लेकिन हम डरते हैं, सारे लोग डरते हैं, डरे नहीं, प्लीज़ चले जाएँ। मैं भी बहुत डरता था, मैं आप ही की तरह से, हम जितने भी लोगों के जहन में सवाल है सवाल नहीं कर रहे, मैं आप ही की तरह इंतहा से ज़्यादा शर्मीला झिझक वाला इंसान। लेकिन मुझे ये पता चला कि किसी ने फाइनली समझाया कि जिसने की शर्म उसके फूटेंगे कर। तो अगर ऊपर जाना है मेहनत नहीं, शर्म नहीं हटाएंगे, फलाना लड़की पसंद आ गई शर्माते रहेंगे तो रिश्ता हो जाएगा उसका, तो शर्माना नहीं। बस आ गया पर पता तो चल जाए ना, हाँ भाई नहीं करनी चाहिए सवाल को, अभी है ना उतने सारी बच्चियाँ स्कूल। जी बिल्कुल, अगर मैं एस पी से मिलने जाऊंगा तो वो मुझसे नहीं मिलेगा। आप में से इस पूरे कमरे में कोई आदमी है जिसने कोशिश की हो आपसे नहीं मिले? कोई काम से गए थे? हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, बगैर काम के जाओ। जब तुम बगैर काम के जाओगे तब तुम्हें काम पड़ेगा, वो तुम्हारा काम करेगा, लेकिन तुम काम से जाओगे तो क्या। अच्छा, कैसे शक्ल बना के कहते हैं, सर मुझे 5 मिनट मिलना है प्लीज, मुझे ज़रूरी काम है।
क्यों मिल रहा है ये तो बता। ये इसलिए कि तुम्हारी शक्ल में इस तरह से होगा कि भाई ये बच्चे को काम है, लेने वाले हाथ की बजाय देने वाले हाथ में। जब तुम जाओ अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं ना इस पीछे, 5 साल बाद हो सकता है काम पड़ जाए, तो दोस्ती करके रखोगे तो काम आएगी। तो आप जाओ उससे मिलो, आप तो ईद बकरीद रिश्तेदारों से मिलने जाते हो, तो एस एच ओ के पास क्यों नहीं जाते यार? वो तुम्हारे यहाँ सिक्योरिटी का मैनेजर है तुम्हारे इलाके का, उसे क्यों नहीं मिलने जाते? यकीन करो उधर भी मिलाएगा, बगैर काम के जाओगे। आप लोग 4 बच्चे इकट्ठे हो, 1 बच्ची 2 बच्ची है वो ऐड कर लो, चांसेस बढ़ जाएंगे लोग, और यकीन करो कुछ नहीं कहेगा। और लेकिन अच्छे कपड़ों में जाओ, अच्छे कपड़ों में क्यों? इसलिए कि 99% लोग किस लिए आते हैं? कोई काम मतलब आप जा रहे हैं कि सर यहाँ मिठाई लाया, मुझे कोई काम नहीं है। पहले तो वो माने नहीं, वो कह रहा था कैसे हो सकता है कि मिठाई लेके आया और बोला काम। वो मुन्ना भाई MBBS कितना ना देखी है, नंबर 2 वाली कितना देखी है, तो सब क्या कहते हैं उल्टा करो, उल्टा करो जो हो रहा है ना मुआशरे में उसका उल्टा करो, तो तुम ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ। क्योंकि वो खाली पड़ा होता है रास्ता, कोई कुछ कोई करता ही नहीं है, सब उल्टे कर रहे हैं, तो तुम सीधा कर लो तो तुम ज्यादा सक्सेसफुल हो। सब उल्टा कर रहे हो तो तुम सीधा कर लो। मेरा ये तजुर्बा है, मैं अभी मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू लेते हुए आ रहा हूँ, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं था, कोई काम नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। मैंने उनके साथ कल सेल्फी खिंचवाई फेसबुक पे लगाई, खूब उनके ऊपर गालियाँ कर लो चाहिए, बहुत सारों को अपने पेट्रोल की जगह चीज़ों को इस्तेमाल करने के इस पर कॉमेंट आए, ठीक है। मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उनके असिस्टेंट को मैसेज किया, सर मैंने आपका फोटो लगाया था, बहुत लोग नाराज़ हैं आपसे, अगर आप इजाज़त। और मैंने यूट्यूब पे ढूंढा, आपका कोई इंटरव्यू ही नहीं है जिसके ऊपर आपको कोई जानता हो, सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, आपको नहीं जानते आप मुझे। मैंने आपको अपनी कहानी नहीं सुनाई, आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हो सकता है स्मगलर हूँ, राइट। तो हम क्योंकि जिसको जानते नहीं उसको फौरन फतवा दे देंगे, करप्ट है, स्मगलर है, गाड़ी अच्छी है तो चोरी की होगी, डाका डाला होगा, नॉन टैक्स पेड हो, कुछ भी गड़बड़। अच्छा तो इंसान है ही नहीं ना समझ में, कोई सारे के सारे फिरौन यहीं पे जाऊँ, और बोल भी बहुत अच्छा है, यू नो डिफेंड भी करेंगे उसको, सारे फिरौनों की प्रोटेक्शन हमने जिम्मेदारी की। सो मैंने उनको मैसेज किया, मैसेज करने के बाद उनके एक उनका जो दोस्त है जिसने मुझे कहा था मिल ले, वो स्वीडन में था, मैंने उसको मैसेज किया कि भाई इस तरह मैसेज है, तो उनको मैंने फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा जवाब आया कि आप 4 बजे हमारी फ्लाइट है, आ जाए, मुझे ये नहीं मालूम था कहाँ है। फिर उसने कहा मेरा ख्याल है शायद XY होटल में, तो मैं उस होटल की तरफ चला गया। मैंने कहा मिल लेंगे, ठीक है, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं। मैं गया, जैसे ही मैं लॉबी में एंटर हुआ व्हाट्सएप पे मैसेज आया इस कमरे नंबर का, उस कमरे नंबर पे चला गया। मेरे पास एग्जैक्ट टाइमिंग पे आधा घंटे का इंटरव्यू था, आप लोग के पास आना था, क्योंकि मैं टाइम की पूरी कोशिश करता हूँ कि डे लेना, हालांकि फिर भी हम डिले हो गए। मैं 3 बजे समझ रहा था, लेकिन फिर बताया 3:30 बजे, तो शुक्र है कि मैं बचत हो गए। बट अगर मैं कोशिश नहीं करता ना यार, छोड़ो यार, कन्फर्मेशन नहीं है तो क्या होगा? कुछ रिस्क लो, चांस लो, टाइम का रिस्क लो। अच्छा यहाँ पे कोई ऐसा है जो इंग्लैंड गया हो, पाकिस्तानी हो, आप समझता हो कि मैं इंग्लैंड जा सकता हूँ बगैर वीजे के? नहीं, लीगल तरीके मैं गया हूँ बगैर वीजे के और लीगल तरीके। कैसे हुआ? मैं जर्मनी UK का वीज़ा चाहिए होता है, मैं 2 दफ़ा पहले ले चुका था वीज़ा, लेकिन मैं गया नहीं था, तो मैंने गाड़ी रेंट करी और बॉर्डर पर चला गया। और बॉर्डर के अंदर उस समय टनल बना था, जो कि फ्रांस और UK दरमियान में टनल है, आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो मुझे बहुत शौक था यार मैं टनल से ट्रैवल करके जाऊँगा। खैर वहाँ पे टिकट था 400 यूरो या 300 यूरो समथिंग का। मैंने उससे पूछा, लड़की बैठी हुई थी, कि भाई मैं टिकट, वीज़ा नहीं है मेरे पास, टिकट ले लेता हूँ, अगर वीज़ा लग गया ठीक है, नहीं तो पैसे वापस कर देना। उसने उसको फ्रेंच आती थी, उसने पता नहीं क्या बोला, मुझे भी समझ में नहीं आया, उसको भी समझ नहीं आया। अच्छा दे दो यार, रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लिया करो जिंदगी, अपने टाइम के अंदर भी, अपने पैसों के अंदर भी। पैसे 100% नहीं डुबाने के, रेहान भाई ने कहा था सारे बिटकॉइन खरीद लो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना है, 10% रिस्क जरूर लो, टाइम के साथ भी पैसों के साथ। कुछ नया नहीं करोगे तो कुछ नया हासिल नहीं होगा। खैर मैं काउंटर पे गया, उसने कहा कि तो वीज़ा ही नहीं है। मैंने कहा मेरे पास तो वीज़ा नहीं है।
क्यों आ गए? मैंने कहा इंग्लैंड जाना है। बगैर वीजा के जाओगे? मैंने कहा नहीं, आप वीजा दे देंगे चले जाओगे, नहीं देंगे वापस चले जाओगे। कहते मजाक कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मेरा आपको मजाक ही नहीं है, मैं तो बगैर वीजे के आया हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ वीजा चाहिए। मैंने बाजी से पूछा था बाहर, उन्होंने कहा कि टिकट ले लो। मैंने टिकट ले लिया, आ गया मैं। अच्छा करोगे क्या जाके? बचपन से गाते हुए आ रहे, लंदन ब्रिज गिर रहा है, लंदन ब्रिज गिर रहा है, जाके देखेंगे गिर रहा है नहीं गिर रहा है, फोटो वोटो खींचेंगे वापस आ जाएंगे। तो कहता है मजाक कर रहे हो? मैंने कहा नहीं भाई, मेरा भी मजाक नहीं है आपके साथ। आपको दिल करे दे दें, आपको दिल करे नहीं देंगे, मेरा पासपोर्ट है आप देख लें। मैं एक जगह कहीं खड़ा ही नहीं हुआ कि मैं दो महीने लाइन में खड़ूँ वीज़ा लेके जाऊँ। वैसे मेरे 26 इंटरनेशनल वीज़ा की रिजेक्शन है और 80 से ज़्यादा मैं घूम चुका हूँ, 26 दफ़ा रिजेक्ट। मैं अमरीका में बिजनेस चलाता रहा हूँ और अमरीका 11 साल तक नहीं जाने देता। मैं भी ठीक का बच्चा लगा, फिर आखिर में हार्वर्ड ने बुलाया, आइए बताइए भाई क्या से क्या होता है, कोशिश करते रहना चाहिए। खैर तो वो अंदर गया, वापस आया, कहता है तुम्हें पता था कि तुम्हें वीज़ा चाहिए, बगैर वीज़े के आ गए तुम? हाँ भाई ऐसा ही है। अच्छा अच्छा जाओ, आइंदा नहीं करना। उसने भाई 90 डे की स्टैंप लगाई कि चले जाओ और वापस। सो यू हैव टू ट्राई, यू नेवर नो। अगेन बच्ची से प्यार हो जाए तो पूछ लें, हो सकता है जवाब आ जाए, लेकिन दिल में हसरत करके बैठो तो 20 साल बाद कहोगे कि यार थी स्कूल में। कोशिश ये करें कि वो स्कूल में बाहर निकाल दें, आप भी खुशसुकून में रहेंगे, मोहल्ले वाले भी सुकून में रहेंगे। ये मेरा आपको हर चीज़ के मामले में एडवाइस है। बिजनेस में हसरत हो ना, लिमिटेड रिस्क जरूर है, आदाब के दायरे में रहते हुए किसी के साथ ज्यादती करे बगैर। सवाल है मैं जाऊँ फिर आगे? हाँ जी, अच्छा सवाल। सिचुएशन पेश आ गई कि सिचुएशन कुछ नहीं आती, हम सब जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन हमारे ऊपर मेरा ख्याल है कि हमारा माशरा, हमारे खानदान वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे टीचर, हमारे दोस्त, हमारे ऊपर हम सब बोलना चाहते हैं। हम सब के अंदर बहुत अकल है, समझ है, अल्लाह ताला ने तमाम विजडम दे के भेजा है, लेकिन हम जब माशरे में आते हैं तो जैसे मम्मी देखे ना मम्मी, उसके ऊपर टेप लगी होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि माशरा हमारे ऊपर टेप लगा देता है, सारी की सारी बातें अंदर अंदर दफना देते हैं। फिर जब बड़े होते हैं, क्योंकि अगर कुछ बोला टीचर से, बोला टीचर नाराज़ हो जाती है, अप्पा से बोला अप्पा नाराज़ हो जाते हैं, लड़की से बोला लड़की नाराज़ हो जाती है, सबसे सब नाराज़ हो जाते हैं, राइट? तो हमारा ये काम है कि जब हम सेल्फ को डिस्कवर करने की कोशिश करें, अब आप अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश करें कि आप क्यों हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर, किस किस पर्पज़ से आए हैं। कोई इसी काम से भेजा होगा ना, मैंने कहा भाई ये अमरूद ले आना 2 किलो, इसलिए तो नहीं भेजा था कि जाओ दो बच्चे पैदा करो, घर बनाओ, मर जाओ, आज कल क्या हो उसके बाद छुट्टी। दिस इज नॉट योर लाइफ पर्पस। इसके पर्पस को ढूंढो, क्यों आए हो यहाँ पर? खाली डिग्री लेके क्या करोगे? किसी के पास इस कमरे में 10 साल का प्लान है? दिस इज रॉन्ग। किसी के पास प्लान है 40 साल का? सब 25 साल से नीचे हो, 65 साल में मरोगे ना, तो अगले 40 साल में क्या करना है? तो मेरा ये अभी मैं इसके ऊपर बताता हूँ, बट अगर हम अपने आप को अनवाइंड नहीं करेंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो अपने अपने आप से लड़ाई नहीं करेंगे, अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे। मैं आपसे खुद पूछ रहा हूँ, बताओ मेरे अंदर 3 खराबियाँ, हिम्मत चाहिए? हो सकता है अभी आप कह रही है आपकी जो जींस बहुत करीब थी, गंदी थी, जूते गंदे हो रहे थे, जो भी आपको बाल गंजे हो गए हैं, आप बाल लगवा लें, हर किस्म के कॉमेंट आ सकते हैं ना, कुछ भी, आर योर ओपन स्पेस। तो उससे मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। तो रूमी का एक मकबूला है कि पहले मैं बहुत अकलमंद था, सारी दुनिया को बदलने की कोशिश करता हूँ, फिर थोड़ी सी दानाई आ गई तो खुद को बदलना शुरू करते हैं, खुद को ठीक करना है, खुद को डिस्कवर करना, खुद पर मेहनत करनी है। एक्सरसाइज अगर मुझे 6 ऐप बनाने हैं, ये ऐप ख़त्म करने के लिए 6 ऐप बनाने हैं, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना। कोई मैं दवाई खा के तो नहीं हो सकता, आप कह जी फलाना कलमा पढ़ना शुरू कर दे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी मुझे, मुझे यार कर लो यार, मेरी मेरी याद आ जाए तो मुझे याद चाहिए तो क्या करेंगे, तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जैसे जैसे मसाइल आते गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसने पूछा सवाल, हाँ जैसे मैं वीडियो नहीं बनाता था शायद,
तो अब मेरी कोई फेसबुक पे या यूट्यूब पे 2500 से ज़्यादा वीडियो है। तो मैं जब बिजनेस कर रहा था अमेरिका में, तो यहाँ रह रहा था, कस्टमर कहते थे कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप झूठे हैं, अब है ही नहीं, आप किसी फेक नाम से काम कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया कि मैं अपने कस्टमर से बात कर सकूँ, तो सुबह स्काइप नहीं आया। आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको सोल्यूशन ढूंढेंगे, जब सोल्यूशन ढूंढेंगे तो पता चलेगा आप भी गड़बड़ हैं। आप ठीक होना शुरू हो, ये मुल्क को ठीक करना है तो इमरान खान ठीक करेगा, आप ठीक करेंगे। ये सारे लोग ऐसे ही अंदर से ही बोल रहे हैं इमरान खान करेगा, लेकिन इमरान खान के आने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं ठीक होंगे, इमरान खान कोई आवाम तो नहीं चेंज कर सकता ना, आवाम ही गंदी है। तो बात हम पहले भी कर रहे थे कि जो वडेरा है वो वडेरा इसलिए जुल्म कर रहा है कि आवाम से वो प्यार से काम नहीं करा सकता है, तो उसको जुल्म करना पड़ेगा। आप अगर अच्छे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे हुक्मरान भी अच्छे हो जाएंगे। अगर हमें यहाँ से तारिक रोड पर, मैं रहता हूँ तारिक रोड पर, जाना हो रिक्शे में बैठ जाऊँ और रिक्शे वाले को अगली गली तक ले जाओ। यार ये बेहतर हो सकता है। हेलो, क्या हेलो, रिक्शे में बैठ जाऊँ उसको बोलो अगली गली तक चलो, गली आ गई, फिर बोलो अगली गली तक ले चलो, फिर बोलो अगली गली तक ले चलो। तो पांच दफा के बाद रिक्शे वाला मेरे साथ क्या करेगा, क्या भाई मुझे घर जाना पड़ा वापस। लेकिन आप पहले ही उसको बोल सकते थे कि मुझे तारेगढ़ जाना है, कितने पैसे लोगे। सेम थिंग गोज फॉर योर माइंड, आपने अपने दिमाग को ये बताया नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आपका 10 साल का प्लान क्या है, आपका 50 ईयर प्लान क्या है। अगर आपको यही नहीं मालूम कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, तो कहेंगे यार चलो यार देखेंगे, पहले ये तो हो जाए क्लास, फिर यार ये जॉब तो लग जाए फिर देखेंगे, फिर चलो शादी तो हो जाए फिर देखेंगे, फिर यार बच्चे तो हो जाए फिर देखेंगे, फिर यार बच्चे स्कूल में अच्छे चले जाए फिर देखेंगे। तो खुश कब होंगे आप, प्लान कब करेंगे भाई, ये सब कुछ अल्लाह ने ही करवाए जाएंगे। आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक चार्ज फॉर योर लाइफ। अगर आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो दूसरा कैसे आपके साथ कुछ करेगा। यू हैव टू मेक अ प्लान। आई वुड सजेस्ट अ वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे चले जाओ supertech.com/rehan.com/plan, वहाँ पे लाइफ प्लान कैसे बनाते हैं वो बनाए, 15 मिनट लगेंगे सिर्फ, दैट्स ऑल, और आपके साथ क्लियरिटी आना शुरू हो जाएगी। जो 7 साल पहले मैंने भी सिर्फ 7 साल पहले किया था, तो मुझसे मेरी कोच ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, मैंने कहा सब कुछ अलहमदिल्ला, घर है, सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अगर अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ तो क्या मांगोगे, अल्लाह है कुछ भी दे सकता है। तो फिर मैंने बोला यार दुनिया से गुरबत खत्म करनी चाहिए, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। मैंने कहा अच्छा ये करना है, यहाँ लिख दो ऊपर दीवार पे ये करना है, ये तुम्हारा गोल है, अब बोलो कि ये तुम्हारा गोल है, जो गोल है उसको मांगो, तो फिर तुम देखोगे कि जिस तरह वो शाहरुख खान बोलता है मैं बोलने से तो कुछ नहीं होगा, कि जब आप वाकई किसी चीज़ को मांगेंगे तो सारी दुनिया सारी कायनात आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन पहले आपको बोलना पड़ेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो सब कुछ हो जाए। अब सॉरी आप लोग मुझे बहुत बोर्ड लग रहे हैं, मैं माजर चाहता हूँ कि मैं आप या लेकिन मज़ा नहीं आ रहा आप लोगों को, तो मैं कोई लतीफ़ा बतीफ़ा को सुनाऊँ क्या लोग, इंजॉय करो यार जिंदगी छोटी सी है, तुझे इतने सारे वही कर रहे हो क्या एक्सपीरियंस है बताइए। सर लाइफ में कोई ऐसा फेस आपने क्या, मतलब इस पॉइंट पर आके आप कह दें यार ये आप मुझसे नहीं होगा, फिर उस टाइम आपने क्या डिसीजन लिया होगा। अक्सर ऐसा होता है बीना स्टूडेंट हम कहते हैं पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए, शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कोशिश करते हैं, जब हम कोई ऑडेशियस वर्ड समझते हैं, यानी बियॉन्ड ग्रेट, फिनॉमिनली ग्रेट, मून शॉट होगा कि हम चांद पे जाना चाहते हैं। जब चांद पे जाने की बात करिए प्रेसिडेंट ने अमेरिका के, तो चांद पे तो कोई नहीं गया, चांद पे गया ही नहीं था तो किसी ने यकीन तो नहीं करना था कि चांद पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं गुरबत का खात्मा करना था, क्योंकि कोई नॉर्मल गोल तो नहीं था, तो पागलों वाला बोलेंगे क्या ऐसा हो ही नहीं सकता।
एग्जांपल मेरे पर निकल रहा है मोहल्ला साहब, आप कहेंगे यार ये अजीब सा बोल, बट जो पागल होते हैं वही कुछ कर पाते, चाहे उसकी जॉब हो, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपके अपने ऊपर जुनून नहीं इख्तियार किया तो कैसे हो। जहाँ तक ताल्लुक है कि कोई ऐसा मरहला आ गया, बहुत सारी दफ़ा मैंने कहा ना, मैंने 150 से ज़्यादा बिजनेस किए तो बहुत सारे बंद कर दिए, क्योंकि वो टाइम उसके लिए सही नहीं। आप करीम चलाते, करीम मतलब करीम तो मदर, यस सर, तो करीम की ऐप हमने 12 साल पहले बनाई, आपका करीम टाइम सही नहीं था। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, मैं बना के बंद करता हूँ क्योंकि वो टाइमिंग सही नहीं होता। अब मैं आप मुझसे बाहर जाते हैं ना, आपको नज़र आता है यार ये बहुत चीज़ें पाकिस्तान में चलेंगी, आप कोशिश करते हैं तो बदलता है फिर होता है, लोग तैयार नहीं। तो जो नया बिजनेस होता है, कोई भी नया ट्रेंड सेट करना होता है, तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं होता, वो माशरे का सोशियोलॉजी का प्रॉब्लम। तो सोशियोलॉजी पढ़ी आप लोगों ने? तो सोशियोलॉजी में क्या है कि आदतें, जैसे अगेन वडेरा जुल्म इसलिए कर रहा है कि सोशियोलॉजी मतलब लोग तैयार ही नहीं है प्यार से काम करने, तो आप कैसे कराएंगे? या आपके लेबर तैयार ही नहीं है आपके साथ कोऑपरेट करने, तो आप कैसे करेंगे? इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, दरख्त लगाने की तरह स्लोली बढ़ाओ, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हर बड़ा काम 10 से 15 साल 20 साल मांगता है। अगेन इमरान खान आके क्या कुछ नहीं कर सकता, 5 साल थोड़े बहुत बैंडेड लगा दे आपको लगेगा हाँ वेरी गुड, तो लेकिन कर मतलब वाकई में नहीं कर सकते। तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि इफ यू वर्क 10 years ऑन समथिंग यू विल बी एन ओवरनाइट सक्सेस। 10 साल के बाद वो नाइट आएगी जब आप ओवरनाइट सक्सेस। तो आपको गोल बनाना चाहिए, 10-year goal 20-year goal, और जितना बड़ा गोल बनाएंगे उतना फ़ायदा होगा। मैं आपको कुछ किताबें बता दूँ पढ़ेंगे, लेकिन आपने कहा पढ़ते नहीं, तो सुन लीजिएगा, सुननी तो है। एक किताब है अबंडेंस, दूसरी किताब है लिंच पे, ये सारी rehan.com/books पे आपको लिंक मिल जाएगी, ये आपको फ़ायदा देगी। अब लिंच पे LINCHPIN। हम एक बहुत ही मैं बस आखिरी बात कहूँगा, अगर कोई सवाल है तो ज़रूर, कि हम बहुत ही ज़बरदस्त टाइम में रहते हैं, बहुत ताकतवर टाइम में रहते हैं। इस कमरे का हर बच्चे के पास आज टीवी चैनल है, जो प्रेसिडेंट अमेरिका के पास नहीं था आज से 10-15 साल पहले। आप लोग बहुत ताकतवर हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं, लेकिन अगर आप अपनी ताकत को सही इस्तेमाल नहीं करते तो वो आपका कसूर है, ताकत का कसूर है। हमारा मुल्क बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हम अपने मुल्क की ज़बरदस्त चीज़ों को देख नहीं सकते। जिस तरह हम गाँव वाले थे कि जो अपने दरख्तों को जला रहे थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि हम इसके साथ करें क्या। उन्होंने मैं उनको आखिर में ये हुआ कि मैं उनको घास से, उनके पत्तों से प्लेटें बनाना, गोबर बनाना, गैस बनाना, बिजली बनाना, ये सारी चीज़ें सिखा रहा। तो मतलब वो गैस का बिल भी देने की ज़रूरत नहीं है, बिजली का बिल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैंसे भी मौजूद हैं, गोबर भी मौजूद है, बायोगैस भी बन सकती है, उससे बिजली बन सकती है। बट मसला क्या है कि हम उनको ये पता नहीं कि वो ये काम कर सकते हैं। इस तरह आपको भी पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। यू नीड अ गुड मेंटर, रोल मॉडल ढूंढो कि जी मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। जैसे बोलेंगे, जैसे होते हैं ना बैस लेते थे पहले, आप जैसे बोलेंगे मैं चुप करके करूँगा। पहले आप उसको पढ़ें, स्टडी करें, समझें कि कौन है, फिर अगर समझते हैं कि इससे मैं सीख सकता हूँ तो उसके साथ में 2 साल गुजारें। आप सबको मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा, आज घर जाएं, कोई ना कोई इंटर्नशिप ढूंढ लें और 2-4 घंटे रोज़ का काम करें। ग्रेजुएट होने के बाद अगले 4 साल तक पैसा गोल नहीं होना चाहिए, इवन दो कि अम्मा अब्बा एक्सपेक्ट करेंगे। आपका गोल होना चाहिए कि मैं अपने इस मिशन में ज़बरदस्त कैसे बन सकूं। जब आप ज़बरदस्त बन जाएंगे और फिर आप देखेंगे आपके अंदर से रोशनी निकलेगी और सब आपको खुद बुलाएंगे। नहीं, मुझे इसी से ले लें। अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में हार्ट का प्रॉब्लम हो तो कौन से डॉक्टर को सलाह, सबसे सस्ते वाले को ही सबसे अच्छे वाले। इसी तरह अगर आपको घर बनवाना हो तो सबसे अच्छे वाले आर्किटेक्ट को ढूंढेंगे, सबसे अच्छे वाले प्लम्बर को ढूंढेंगे, सबसे अच्छे वाले इलेक्ट्रिशियन को ढूंढेंगे। तो आपको ज़बरदस्त बनना है, अच्छा बनना है, खाली अच्छा नहीं बनना।
और जब आप बहुत अच्छे और क्यों हम ग्लोबल हैं आज फेसबुक पे मैसेज करते हैं न्यूयॉर्क में तो कोई मैसेज ज़्यादा लगता है न्यूयॉर्क में करें या शीशावर्ती में करें या छांगा मांगा में करें या कराची में करें तो फर्क है सोच का तो फर्क है ना आप समझ रहे हैं कि आप कराची में रहते हैं मैं समझता हूँ कि मैं प्लैनेट अर्थ में रहता हूँ मेरा जो मोबाइल नंबर है किधर क्या बच्चा उससे पूछे कहाँ का मैं नंबर यूज़ करता हूँ मैं तो क्योंकि नंबर का बिजनेस करता हूँ मेरे फ़ोन में 35 मुल्कों के नंबर और एक भी फ़ोन नहीं उठाता हूँ सो अगेन जब मुझे मेरे अंदर ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और अमेरिका का नंबर होना चाहिए यहाँ पर तो जब जिस आदमी को जाके मैंने बोला उसने कहा तुम पागल हो ही नहीं सकते चार साल तक मैं घूमता रहा दुनिया भर में लोग मैं मैट्रिक के बाद एक दिन भी पढ़ने के लिए कॉलेज में स्कूल गया तो मुझको तो पता नहीं हो सकता है मैं जिस चीज़ को आता था उसके पास जाता था हाँ भाई ये हो सकता है कहते पागल नहीं हो सकता आखिर में एक दिन ऐसे दोस्त के पास बैठा हुआ था मैंने कहा यार ये इतने ऐसे करना कहता ये मसला ही नहीं टक 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 अगले दिन बन गया क्योंकि चार साल तक ना सुननी पड़ी ये नहीं हो सकता और आज जो है वो मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस सारे लोग परेशान रहते हैं भाई सारे दिन घूमते रहते पैसे कहाँ से भाई आप फॉर हुए थे मेहनत करी थी उसके बाद कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा लेकिन आप क्या करने जा रहे हैं कौन सा मसला सॉल्व करने जा रहे हैं तो अगेन ये जो मसले हैं आप अगर बिलियन लोगों का मसला सॉल्व करेंगे बिलियनर बन जाएंगे आप मिलियन लोगों का बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मिलियनर बन जाएंगे और डॉलर में बनेंगे रुपये को तो छोड़ दो और आज पॉसिबल है कल मैंने एक बच्चे की फेसबुक लगा पे वीडियो लगाई 18 महीने उसने ट्रेनिंग ली आज $10,000 महीना बना ऑनलाइन काम करता है फ्रीलांसिंग कर रहा है आप भी कर सकते बट फर्स्ट क्या चाहिए सेंस ऑफ डायरेक्शन चाहिए करना क्या है तो लाइफ का प्लान ज़रूर बना जाए अच्छा चार लोग बता दें तीन दिन खराब हैं किसी ने निकाल लिया ना मैडम में लग रही बात ये है
कि आप कहते हैं कि मैं ही हूँ, आपने कहा मैं ही, एक पॉजिटिव में भी एक अच्छी बात है, आप सोच रहे थे मैं ही हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ, आपके अंदर मतलब इंटेंसिटी है अपने आपके अंदर। लेकिन एक नेगेटिवनेस ये है कि अगर आप अकेले हैं तो बाकी दुनिया वाले का किसके आम के लिए, मतलब साथ होना चाहिए ना सबका। सही। तीसरी बात ये है कि सर अच्छी बात है कि आप जो है अबव द लाइन सोचते हैं, लेकिन बिलो द लाइन इतना सोचना है कि ज़्यादा हो जाता है कि कभी उसे एकदम दूर भी आता है। उसका एंड ये होता है कि उसका रिजल्ट आता है, कुछ ना कुछ आगे नजर आता है। सबको बताना चाहिए था कि कौन है, क्यों आ रहा है, कि मेरा काम नहीं था, आप लोगों को पता होना चाहिए था कि आप क्यों आ रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं। दूसरा एक बहुत पुरानी किताब है, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसके अंदर वो लिखता है ऑथर नेपोलियन हिल कि जब किसी से मिलने जाओ तो एक घंटा उस पर रिसर्च करके जाओ। तो आप लोग जब यहाँ आए तो उससे पहले अगर आप खासतौर पर मेरा, क्योंकि नॉर्मली लोगों की वीडियोज़ नहीं होती, तो आप उनको थोड़ा सा कोई बायोडेटा, कोई वीडियोस, कोई लिंक भेजना चाहिए। अगर आप सिर्फ rehan.com पे चले जाएँ तो वहाँ पे 2 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो है और 2.5 घंटे की वीडियो है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो तीनों जो शॉर्टकट वाले हैं, जो मीडियम कट वाले हैं और मोटे कट वाले हैं, सबके लिए वहाँ पे सामान अवेलेबल है। तो अगेन मेरी गुजारिश है कि जब भी किसी को बुलाएं उसको पहले तारुफ लोगों को कराएं कि ये आदमी है, इसकी बायो है, खुद वीडियो बनाएं, भेज दें कि आज ये बंदा आ रहा है। बंदा भी खुश होगा, आपकी ऑडियंस भी खुश होगी, और इनके पास सवाल होने चाहिए। अगर कोई लेक्चर देने के लिए बुला रहे हैं तो यार YouTube पर मंगा लिया करें, किसी का टाइम ज़रूर होना है, पर ये कसूर नहीं है। सबका यही प्रॉब्लम है कि हम सबको लाइफ का कार्य मालूम करना चाहता है, हम सब बस टुक खेल रहे हैं। 25 जुलाई फिर देखेंगे क्या होता है, फिर ये इलेक्शन में कौन आता है फिर देखेंगे क्या होता है। हर चीज़ हमने चांस पर छोड़ी, चांस पर ना छोड़ें, अपने हाथ में अपना कंट्रोल है। जहाँ तक आपने बात की कि मैं खुदी को कर बुलंद था, खुदा हर तकदीर से पहले, हर बकदीर से खुद पूछे बता दे रही होगा। तो मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ कि अपने ही खुदी को उसका बुलंद करें कि आपसे खुदा पूछे हमें क्या चाहिए वो मिल जाए। मैं जो मांग रहा हूँ वो कुछ और मांग रहा हूँ, आप कुछ और मांगेंगे, आप कुछ और मांगेंगे, सब कुछ और मांगेंगे, लेकिन आपने किस चीज़ में नोबेल प्राइज़ लिया ये आपने फैसला करना, ये इस वजह से आपको ये फील हुआ। और ये सबसे ज़्यादा कमी है इस चीज़ की कि हम नहीं बोल सकते कि हमें क्या चाहिए। मैं ये समझता हूँ प्रसिस्टेंस की कमी है और अपने आप को हम भंगी समझते हैं। कल मैं सदर में था तो एक आदमी का, एक बच्चा था 18 साल का, उसके कपड़े उतार रहा था पुलिस का, उस बेचारे बच्चे में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसको गाड़ा खोलने से रुक सकता। हमारे जो माशरा है ना, उसकी प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ये कि हम गुलामी से आए, अभी तक हम अपने आप को बहुत ही घटिया समझते, हमारे अंदर बिल्कुल ताकत,
और आप जब मुल्क से बाहर ट्रैवल जिसने किया हो उसको ही शायद तजुर्बा हो, लेकिन हमारे मुल्क में हम हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला आपके सेल्फ बिलीव का है। आपको अपने ऊपर यकीन ही नहीं है कि हम कर सकते हैं, वो कर सकता है, आप नहीं कर सकते, हम सब ये समझते हैं, ब्लेम करो। तो अपने ऊपर काम करें, अपने आप को ठीक करें, अगर आपको अच्छी लगी बात अच्छी बात है, कोई सीख लिया तो अच्छी बात, नहीं सीखा तो बात। बहुत सारे लोग उसका टाइम ज़ाया करते हैं, मालूम चाहता हूँ मेरे साथ बिजनेस ज़्यादा हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। जी सर बेटा, कार्ड्स बांट दो सबको।